आज जैसी परचेज मिला रविंद्र जडेजा ने फिर काम कर दिया, बेहतरीन विकेट जॉस बटलर का स्पेशली, क्योंकि उस वक्त गेम हाथ से ऑलमोस्ट निकल रही थी। जॉस बटलर जिस तरह खेल रहे थे, शिवम दुबे भी आज यू नो थोड़ा सा सॉलिडिटी नजर आ रही थी और यू नो कंट्रोल में था गेम, लेकिन जैसे ही वो हुआ ना, और ये हमेशा है रविंद्र के साथ, आप ये देखते हैं कि भाई अगर विकेट में मदद है, आई थिंक पहले भी ये बोल के गए थे हम कि अगर विकेट में मदद है ना तो उनसे बेहतर स्पिनर कोई नहीं है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता जिस पेस पे वो गेंदबाजी करते हैं, तो जब जब उनको मौका मिलता है वो बिल्कुल हावी हो जाते हैं, और वो तो हुए ही हुए। उसके साथ अली अली करते हुए मोइन अली भी निकल गए साथ में, और वो चार ओवर के दौरान ना सारा गेम ही खत्म हो गया, पूरा गेम खत्म हो गया वीरू भाई। नहीं अर्जुन सही बात बताऊं, दो ओवर में 22 रन थे जडेजा के, और चार ओवर में 28 रन पे दो विकेट है, तो आंकड़े कैसे बदल जाते हैं ना। मतलब गीली बॉल से दो ओवर 22 रन, सूखी बॉल आई तो केवल 6 रन दिए, दो ओवर में दो आउट भी कर गए, फिर उसके बाद चार कैच भी पकड़ गए। तो यही कमाल है, जब रविंद्र जडेजा के हाथ में सूखी बॉल और थोड़ी सी ग्रिप हो रही हो तो फिर उनको खेलना या मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे आई थिंक इस टूर्नामेंट की बेस्ट बॉल डाली होगी उन्होंने जो बटलर को आउट किया है, बहुत कम देखने को मिलेंगे आगे ऐसी बॉलें कि जो बॉल लेग स्टंप पे गिरी और मिडल ऑफ पे जाके लगी, बैट्समैन बीट, कमाल के। आई थिंक उसी ओवर से शायद वापसी हुई है चेन्नई की, वरना तो ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई बड़े आराम से मुकाबला हार जाएगी। वीरू भाई बटलर की अगर आप बात करें और एनालिसिस करें उस विकेट का, फंस गए, फुट मूवमेंट बिल्कुल नहीं देखने को मिला हुआ। नहीं मेरे ख्याल से उनको भी नहीं लगा था कि बॉल स्पिन होगा उतना जितना स्पिन हुआ है, तो शायद सूखी बॉल थी, उससे पहले गिली बॉल उतनी घूम नहीं रही थी, बड़े आराम से मिड विकेट पर एक रन ले रहे थे, तो वो शायद उसमें फंस गए कि बॉल घूम गई वो, वरना जॉस बटलर इतने आराम से आउट होने वाले खिलाड़ी हैं नहीं, तो क्योंकि कभी कभी बल्लेबाज अंदाजा लगाता है कि यार ये बॉल इधर गिरी है तो इसी लाइन पे आएगी, जैसे उस लाइन पे पिक किया और वहां से घूमी तो फिर वो गैप क्रिएट हो गया और मिडल ऑफ पर गेंद जाकर लगी, तो मतलब जब बल्लेबाज सोचता नहीं ना ऐसा होगा तब हो जाए, तब ऐसी गलती होती है। अब अजय भाई इन अ सेंस यू नो ये इनके प्लान के मुताबिक चल रहा है, पिछले मुकाबले में भी ऑफकोर्स सीम ने काम किया, तो उसके बाद सपोर्टिंग रोल प्ले किया अजय जडेजा तो हमारे साथ है, रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने, सर सपोर्ट मोइन अली ने भी किया है, क्योंकि अगर आप एक छोर से प्रेशर बना रहे हैं और दूसरे छोर से प्रेशर रिलीज करने दे रहे हैं तो फिर तो आधा काम हो रहा है ना। बिल्कुल मोइन अली ने उनके साथ जो फिर दूसरे एंड से आ गए, और एक तो दोनों लेफ्टी भी आ गए थे, थोड़ा सा मैं सरप्राइज हुआ मिलर साहब ने अपना वो नहीं लिया DRS, क्योंकि उसमें भी बिल्कुल बाहर थी गेंद, क्योंकि वो पहली विकेट थी, वहां से फिर मोइन अली को एक ही ओवर में खत्म हो गया। फिर है ना जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा मोमेंट होता है, वो मोमेंट जब आपकी तरफ चला गया फिर दूसरी टीम बिल्कुल लेट जाती है, फिर तो अभी तो उस टाइम रिव्यू खत्म हो गया था, वो ऑलरेडी यूज कर लिया था उस टाइम। ओ आई एम सॉरी शिवम दुबे ने पहले यूज कर लिया था, बट वो अंपायर स्कोल पे वो रिव्यू रिटेन नहीं होता, आई थिंक रिटेन हुआ है मुझे लगा जो, लेकिन जो भी है था नहीं था, वो विकेट जो मिल गई ना मोइन अली को, उसके बाद फिर मोइन अली हावी हो गए क्योंकि रियान पराग आए, उन्होंने भी बहुत जल्दी की, और इस स्टेज पे फिर टाइम भी नहीं मिलता, पीछे वाले जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार बहुत टाइम है, पहले वाला जो खेल रहा है शुरू क्या हुआ था 9 ओवर के नौ की रन रेट से, जब तक वो आए हैं, या आप देखें डेविड मिलर जब आउट हुए हैं तो 12-13 ओवर खत्म होने को आए हैं, 90 रन है, तो अब 8 ओवर में रियान पराग और इन सब ने आके 8 ओवर में वो करना है जो आप 12 ओवर में नहीं कर पाए, जिसमें 6 ओवर का पावर प्ले भी था, तो फिर वो कोशिश होती है, कभी कभी लगती है कभी नहीं, बट मोस्टली नहीं लगती इतनी जल्दी आते ही, फिर वहां मोइन अली ने कोई खराब गेंद ही नहीं डाली, फिर तो सूखा अकेला रविंद्र के लिए थोड़ी था, सूखा मोइन के लिए भी था, तो वो पकड़ने लगी राजस्थान। अरे सर एज ए चेन्नई फैन आप सोचते ना यार ये मैच निकल ना जाए हाथ से, यू नो उतने रन नहीं बने जितने बना सकते थे, तो जब आप ऐसी ऐसी से निकल के आने लग जाए ना तो वहां से फिर कॉन्फिडेंस भी टीम का ग्रो करने लग जाता है कि बुरे सिचुएशन से भी आप निकल के आ जाए। अर्जुन हम लोग पहले बात कर रहे थे कि शायद 20-30 रन कम बने हैं 188, बट हमने ये भी कहा था शोपर की भी 188 भी बहुत है, अगर किसी भी टीम को दिए जाए कि 188 आप बनाओ तो वो बड़े हंसी खुशी ले लेंगे कि ठीक है हम इतने को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तो चेन्नई 40 रन से जीता लगभग, तो मतलब वो तो उन्होंने 40 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं अगर हमारे नजरिए उनके नजरिए से देखें तो, हम तो 188 में भी ये कह रहे थे कि 20-30 रन कम बने हैं, लेकिन उनके उनके हिसाब से उन्होंने 20-30 ज्यादा ही बनाए हैं, तो मेरे ख्याल से गेंदबाजी ने वो डिफरेंस पैदा कर दिया जो शायद हम लोग सोच रहे थे कि वानखेड़े है छोटा ग्राउंड है
आउटफील्ड गीली है, बॉल गीली होगी, स्किड होकर बैट पर आएगी, तो वो सब फैक्टर यहाँ पर चेन्नई की गेंदबाजी, जैसे मैं भी कहता हूँ हमेशा कि चेन्नई गेंदबाजी मुझे हल्की लगती है, लेकिन अगर मदद मिलती है ना तो फिर उनके जो स्पिनर हैं वो गेम में आते हैं, तो फिर वो दूसरी टीम को ऊपर नहीं आने देते।